व्हाट इज अप सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बहुत लेट हो गए हैं रेडी होने में और जाने में। आज हमें जाना था ब्लू वाटर आइलैंड, बट अब हम लोग JBR ही जा रहे हैं फायरवर्क्स देखने ईद के लिए। और सबने कमेंट्स भी किया था मुझे कि काजल, कल आपने वो लास्ट टाइम बात नहीं बताई, वो गर्ल वाली, तो एक सेकेंड मैं रोड क्रॉस कर लूँ पहले। तो वो वाली बात मैं तुम्हें घर जाके बताऊंगी, अभी ट्रैम पकड़ते हैं, फटाफट पहुँचते हैं और इन्जॉय करते हैं फायरवर्क्स। गाइस, मैंने इस गेट को बहुत बारी बेवकूफ़ बना दिया, जैसे ये बंद होगा ना मैं इसके पास जाऊंगी और ये खुल जाएगा मेरे लिए। अब मैं फिर इधर होगी और अभी फिर बंद होगा और मैं फिर जाऊंगी। देखो मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि हम ट्रैम का वेट कर रहे हैं अभी, और मैं पता नहीं कैसी लग रही है, तो तुम लोग कमेंट करके बता दो। हाँ, बंद कर देते हैं। सब JBR जाने के लिए इतने लोग चढ़ गए हैं ट्रैम में और अभी भीड़ आए जा रही है। गाइस, आज फायरवर्क्स है तो टू मच ट्रैफिक है। आगे से राइड हो रहे हैं, यहीं से आगे से, और इतने सारे लोग उतरे हैं ना ट्रैम से, भाई साहब आज तो खचाखच भरी हुई थी। लेट्स को, हमें भागना पड़ेगा क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं और हमें ब्लू वाटर आइलैंड ही जाना है। काफ़ी भीड़, ईद का आज लास्ट डे है गाइस इधर, इसलिए इतनी भीड़ है। और फायरवर्क्स आज यहीं पे हो रहे हैं तो ये सबके पास पड़ते हैं, इसलिए सब पहुंच रहे हैं। देखो इतना ज़्यादा रश है कि काफ़ी जगह बैरिकेड्स भी लगा दिए हैं। क्या हो गया पूरा दुबई, इसकी तो एंट्री नहीं हो रही है। हाँ, बॉयज़ की एंट्री नहीं हो रही है हमें देख के, हम इसलिए उन्होंने हमें ऐसे कर दिया ऐसे ही है। तो पता नहीं आज पूरा दुबई बॉयज़ की एंट्री नहीं हो रही है, कहाँ करके पता नहीं कैसे कर दी मेरे साथ। क्यों पता चला फिर मैं बोलूँ ना कुछ। ठीक है ठीक है। अरे ये बता रही थी मैं कि आज पूरा दुबई उठ के आया है फायर वर्क देखने ना, वही पटाखे जलाएंगे। लास्ट क्या हो रहा है ना, 9, 10, 11, 12 आज लास्ट, दैट्स व्हाई। और हम तो फुल स्पीड में भाग गए, मेरे पैर भी छिल चुके हैं क्योंकि उसमें सॉक्स पहन के नहीं आई थी। पर हम ब्लू वाटर आइलैंड में जाके JBR भी देख रहे हैं ताकि हम ऐसा ना हो, ना इधर के रहे ना उधर के लिए तैयार। हाँ, बस से हो रहे थे बट एंड मोमेंट पे ऐसे होता है। शिट हो रखा है गाइस, पीछे बहुत पीछे जाते देखो कि इतनी भीड़ है। क्या बॉम्बे का वो बनाया है मरीन ड्राइव, बॉम्बे का मरीन ड्राइव, टू मच भीड़। गाइस, हम उधर नहीं बैठ रहे, उधर बहुत भीड़ है। शिल्पा हमें लेके जा रही है ब्लू वाटर आइलैंड, हम उस ब्रिज पे ही देखेंगे क्योंकि उस ब्रिज पे सिर्फ अकेले हम ही खड़े होंगे देखने के लिए। मेरे पैर ना कट चुके हैं, सॉक्स पहन के क्यों नहीं आई मैं, इतनी बेवकूफ़ लड़की। तो गाइस फाइनली हम ब्रिज पे पहुंच गए, इतना वहां से चल के आए हैं और अभी हमें उधर जाना है क्योंकि वहां से ज़्यादा बेटर व्यू दिखेगा। व्यू तो यहां से भी शानदार है शिल्पा, पर हमें जाना उधर है। भीड़ कितनी है यार, वैसे हमें जाना था उधर बट शिल्पा ने इधर ही जगह दिलवा दी है कहीं पे, और यहाँ पे सामने होंगे तो अच्छा व्यू है, मेरी वीडियोस अच्छी बन जाएंगी। मुझे नहीं देखने ना फायरवर्क्स, मुझे वीडियो बनानी है। हाँ, तो वीडियो में फायरवर्क्स आपने बहुत बार देखे हैं, आई समझ। तो मेरी भी बनाएगी ना? हाँ, सबकी बनाऊंगी, सबने अंकल सबकी बनाएगी। हाँ, सबकी बनाऊंगी। तो देखो पहले शिल्पा वहाँ पे रहती थी उस वाले बिल्डिंग में, कितना अच्छा व्यू है। मुझे तो ये बीच वाली जगह पे ही चाहिए घर। अंदर बीच के कैसा लगेगा? अंदर नहीं, साइड्स में। स्टार्ट होने वाले हैं 10 मिनट बाद यॉट पार्टी, हम भी करेंगे वन डे। इनकी तो बड़ी अच्छी है शिल्पा, गाइस अभी यहाँ पे एक भी यॉट नहीं थी, अब इतनी सारी इकट्ठी हो गई है क्योंकि फायरवर्क्स देखेंगे वो अपनी यॉट से सब। माय गॉड,
व्यू वाटर्स है गाइस, और बहुत ही सुंदर ये ऊपर छतरियाँ दिख जाएंगी आपको, वेरी ब्यूटीफुल। पता नहीं शिल्पा कहीं पे लेके जा रही है अच्छी जगह हमें ना, चले जा रहे हैं हम भी इसके साथ। कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अभी हम एक स्पॉट ढूंढ रहे हैं फोटोज़ क्लिक करने के लिए, आज भीड़ बहुत है और ऊपर से गर्मी है ना। अब तक मुझे एक अच्छा स्पॉट नहीं मिला जहाँ पे मैं अपनी फोटोज और वीडियोस बनवा सकूँ मैंने। ओ चलो जी गाइस, वो वाला ब्रिज था जहाँ पे हम खड़े होके फायरवर्क्स देख रहे थे। शिल्पा तो चले जा रही है, हमें समझ ही नहीं आ रहा जाना कहाँ। ओ बेटे इसको देखो, ये जी रहा लाइफ। हाँ जल्दी निकाल मेरे शूज, किससे पूछ के पहने थे गाइस, मेरी इसकी फाइट हो गई है इसलिए मैंने अपने जूते से निकलवा दिया। मुझे पता है तू अपने रंग जल्दी दिखाएगी। हां निकालो निकालो निकालो, यहीं पे फेंकूंगी और बीच में निकालो निकालो निकालो, सब पीछे फेंकूंगी। ओए मुझे एक आईडिया आया है, मैं अभी साहिल पे प्रैंक करूंगी, तू और मैं फेक फाइट करेंगे उनके सामने ऐसे ही, ठीक है करेगी ना, उनको बताएंगे नहीं और बिल्कुल भी कि ये बिल्कुल ऐसे सीरियस फाइट। अपने कुछ नहीं मांग रही हूँ, ये सब एक ड्रामा था जो हम आपको पागल बना रहे थे। मेरी फिंगर्स कट चुकी हैं। देखा कौन सी फिंगर है? अब मैं नंगे पैर जा रही हूँ घर तक और फिर मैं देखती हूँ आज मेरे पैर साफ रहते हैं गंदे, क्योंकि दुबई इज द क्लीनेस्ट सिटी। वो बीच एरिया में जा रहा है। जरूरी होता है रोड क्रॉस करनी है, ये बड़ी दिक्कत है, अब पत्थर वत्थर चुपेंगे इधर। चलो चलो चलो, मुझे लगा आप किसी और का ब्लॉग बना रहे हो। गाइज मैं तो घर आ गई क्योंकि मेरा बहुत बड़ा शू बाइट हो गया था, और अभी शिल्पा सब्जी लेने गई है क्योंकि आज मेरा भिंडी खाने का मन है, तो हम वो बनाएंगे और टाइम से ही घर आ गए हैं। आज साहिल हमारे साथ गए नहीं थे फायरवर्क्स देखने क्योंकि उन्होंने बहुत देखे हुए हैं पहले, तो उनका मन नहीं था, वो कुछ काम से गए हुए थे यहाँ पे, तो हम लोग ही गए थे। और अब मुझे चप्पल ऐसे पहननी पड़ रही है देखो, क्योंकि उस वाले फिंगर पे टच हो रहा है तो बहुत जलन हो रही है, और ये बेड का हाल है। अब इसको ठीक करूंगी मैं अच्छे से, अभी मैंने ये कैंडल जलाई है और अब ये सारा मेस जो है सब क्लीन करूँगी, और अपने लिए वो जला रही हूँ हरे कृष्णा मेडिटेशन, क्योंकि मम्मी की याद आ रही है आज मम्मी पापा दोनों की आ रही है। जब भी मेरे को चोट लग जाती है या कुछ भी तबीयत ख़राब हो तब ज़्यादा आती है, तो अभी चोट लग गई है ना दोनों पैरों में, वो शू बाइट बहुत ज़्यादा हो गया गाइज़ मुझे, तो मुझे याद आ रही है, तो मैं सफाई करके माइंड डिस्ट्रैक्ट कर लेती हूँ जब तक शिल्पा खाना बना रही है। गाइज़ ये है बिफोर और अब तुम्हें दिखेगा आइस, फाइनली ये है आफ्टर, सब कुछ क्लीन एकदम अच्छे से साफ, टन टन। और मैं ये सुन रही हूँ साथ साथ माय मोस्ट फेवरेट, अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है घर के सब, एक सेकंड फ्लैश ऑफ कर लेते, अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है घर की, अच्छे से क्लीनिंग हो गई, सब डेस्क वगैरह सब कुछ साफ है, अच्छे से सो जाऊंगी अब। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा क्लीनिंग करके सोने में मज़ा आता है, मैं अपने घर पर भी ऐसे करती हूँ, अपने कमरे की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, कैंडल जलाती हूँ, ये चलाती हूँ, सो जाती हूँ। पर अभी हमें खाना खाना है। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरा वृंदावन जाने का बहुत मन हो रहा है, ऐसा क्यों है यहाँ पे आते ऐसा मन कर रहा है कि वापस उन्हीं चीज़ों में चली जाऊँ, वृंदावन चली जाऊँ, मम्मी पापा याद आ रहे हैं ऐसे, पर नहीं मन पक्का रखना है और जिस काम के लिए आई हूँ करके जाऊँगी घूम के, ही घूमने आई हूँ ना। मैंने अपना फेस वॉश भी कर लिया, मैं करूँगी थोड़ा सा स्किन केयर गाइज, और आजकल मैं ये वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ, रुको दिखाती हूँ, ये मुझे नहीं पता अब इसको समर्स में यूज़ करते हैं या नहीं, पर ये मेरी स्किन पे बहुत अच्छा इफेक्ट दे रही है कि मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ सी हो गई है। पता नहीं मेरे डार्क सर्कल्स क्यों हो गए इधर आके, शायद कम हुए हैं क्योंकि इधर तो मेरी नींद सही हो रही है, मतलब स्केड्यूल अच्छा हो गया नींद का। मैं स्किन केयर कर लेती हूँ और उसके बाद ओए गिर गई थी खड़े खड़े गाइस, और उसके बाद घर पे वीडियो कॉल करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से, शायद तब तक शिल्पा का डिनर बन जाए, पता नहीं डिनर बना रही है बीरबल की खिचड़ी। गाइस फाइनली डिनर बन गया, शिल्पा ने बना दिया भिंडी, अब सफाई कर रही है मेरी बहन